नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरिता विलेज फूड में। आज हम बनाने वाले हैं टमाटर करी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। देखते हैं इसके लिए क्या क्या लगेगा। ये हमने 4 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च, लहसुन की कुछ कलियाँ, अदरक का एक टुकड़ा, धनिया पत्ती। मसाले देखते हैं क्या क्या है। लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हींग 1 छोटा चम्मच, मेथी दाना थोड़े से 1 चम्मच, जीरा, सरसों, ये काली सरसों हमने ली है 1 चम्मच, कड़ी पत्ता, बेसन। टमाटर कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम टमाटर को काट लेते हैं। इसका हमें पेस्ट बनाना है। इसी में हम अदरक का टुकड़ा काट लेते हैं, इसे साफ कर लेते हैं। देखिए इसमें हम अदरक का टुकड़ा डालेंगे। हमने अदरक का टुकड़ा काट लिया है, इसे भी इसी में डाल देते हैं। लहसुन की कुछ कलियाँ हैं जो हम इसी में डाल देंगे। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट बनके तैयार है। इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। हम गैस ऑन करते हैं, गैस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे तेल, तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे मेथी दाने, जीरा, सरसों के दाने, हींग, अच्छे से पकने देते हैं इसे। अच्छे से पकने देते हैं इसे। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च जो हमने लंबी लंबी काट के रखी है, मुझे अच्छे से पकने देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट जो हमें तैयार कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे भी। अब इसमें डालेंगे बेसन, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। अब इसमें हम डालेंगे पानी, ये हमने टमाटर का पेस्ट का जो बचा हुआ था उसका पानी निकाल लिया है, वही इसमें पानी डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। टमाटर की कड़ी हमारे बनके तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, मिक्स कर देंगे। इसे आप चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।